महिला के सम्मान में महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने पर प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़ी ही उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है। मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास जी द्वारा जन संदेश दिया गया। संवाददाता पुरसा धर्मवीर पचौरी। जिला प्रशासन के द्वारा जो है सटीक सूचना प्रसारण कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सही जागरूकता लोगों तक पहुंचे। हाँ, ये एक बीमारी है जो घातक हो सकती है अगर हम कुछ जो है सावधानियों को फॉलो नहीं करें। इसमें हमें मुख्यतः तीन चीजें करनी है। सबसे पहले, अगर कोई विदेश यात्रा करके व्यक्ति हमारे आस पड़ोस में है या हमारे परिवार में से है, तो उनको जो है सबसे पहले जिला अस्पताल में जाके अपना चेकअप कराना पड़ेगा। इससे वो स्वयं भी संतुष्ट हो जाएंगे कि उनको किसी प्रकार की बीमारी है कि नहीं है, और अगर बीमारी है तो तत्काल जो है उसका इलाज शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज है, क्योंकि हम जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, आगरा से लगा हुआ है, धौलपुर से लगा हुआ है हमारा क्षेत्र, और आगरा में भी कुछ केसेस पाए गए हैं। इसीलिए अगर ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो आगरा के उस लोकेशन से संबंध रखते हो या रिसेंट पास्ट में आए गए हो, तो वो भी सावधानी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर अपना चिकित्सा जो है चेकअप जो है जिला अस्पताल में कराए। दूसरी चीज है कि इसके लक्षण बिल्कुल ही सामान्य सर्दी खांसी बुखार के जैसा है, लेकिन सर्दी खांसी बुखार के साथ साथ अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो जरूर जिला अस्पताल में जाए। तीसरी चीज है, अनावश्यक रूप से मास्क बिल्कुल ना लगाएं। मास्क तभी लगाएं अगर आप किसी पेशेंट से, जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड पेशेंट है, उससे मिलने जा रहे हैं, तो ही आप मास्क लगाएं। और इसके अलावा अगर आप बहुत क्राउडेड एरिया में या ऐसा कोई संक्रमित एरिया में जा रहे हैं, तभी मास्क लगाएं, अन्यथा मास्क ना लगाएं। तो अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये बीमारी सामान्यतः हाथ मिलाने से और हाथ के माध्यम से अपने मुंह को छूने से फैलती है। इसीलिए अपने हाथ को बार बार धोएं और अपने आप को साफ सुथरा रखें, सुरक्षित रखें। इसी के साथ साथ, क्योंकि होली का त्योहार है, होली में हम लोग गले मिलते हैं, हम रंग लगाते हैं, चेहरे पे रंग लगाते हैं एक दूसरे को, इससे भी संक्रमण की चांसेस बढ़ जाती हैं। इसीलिए इस बार जिला प्रशासन की तरफ से जो है ड्राई होली की अपील किया गया है। पानी से होली ना खेलें, क्योंकि इससे बीमार होने की टेंडेंसीज बढ़ जाती है, बुखार की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा चीज है कि त्योहार को बहुत ही सादगी से और सिंपल तरीके से मनाएं। बहुत ज्यादा क्राउड में नहीं जाए, और बड़ा कोई समारोह या सम्मेलन या होली मिलन के प्रोग्राम्स को भी यथासंभव जो है कटौती करें, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। त्योहार अगले साल भी आएगा, लेकिन जीवन की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ये सामान्य जो एहतियात है, इसको बरतें और सुरक्षित रहिए। हैप्पी होली। धन्यवाद।